गाइस, आज हम बनाने वाले हैं फ़िश पकोड़ा। जैसे कि मैंने बोला आपको, तो मतलब फ़िश है कतला फ़िश एंड पकोड़े जो मैरिनेट करेंगे बेसिकली। तो उसके लिए हमने क्या क्या लिया, मम्मी बता दो एक बार। प्याज पेस्ट, ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है, नमक, ये लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, ये काश्मीरी रेड चिली पाउडर, दही, ये चावल का आटा, बेसन, इसको हम मिला लेंगे अच्छी तरह से। हम मिला लेते हैं। तेल भी डाला है, हाँ, सरसों का तेल भी है। तो गाइस, मसाला तो हमने मिक्स कर लिया है, लेकिन हमें थोड़ा पानी मिक्स करना ही पड़ेगा, वरना मसाला पतला ही होगा अपना। अब बारी है हमें इस फिश में लगाने की। तो करते हैं हम ऐसे करेंगे, इसको लगाएंगे फिश को करें, फिर हम इसको फ्राई करेंगे। लेकिन उससे पहले हम कितने घंटे रखेंगे इसको? एक घंटा रखेंगे। एक घंटा, चलिए गाइस, तो मैसेज अपने फिश में लगा लेते हैं, ऐसे कोटिंग कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको एक घंटे बाद। तो गाइस, हमारे एक घंटा हो चुका है एंड अब हम करेंगे इसको फ्राई। इधर हमारा तेल भी गर्म हो चुका है, हमारे एक एक करके सब डाल देंगे। तो गाइस, हमारा फिश फ्राई कम्प्लीट हो चुका है, अब हम इसको एक प्लेट में डाल देंगे। लो गाइस, इतना बढ़िया टेक्सचर आया ऊपर से। तो गाइस, आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, पर हमने डीप फ्राई नहीं किया एकदम, एकदम हल्के तेल से फ्राई किया हमने। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा इसमें काट के, क्योंकि काफ़ी सॉफ्ट हो गया फिश भी, काफ़ी मतलब बढ़िया से मतलब फ्राई हो चुका है, दिख रहा होगा। मैंने आपको दिखाया कि आप बढ़िया से गल चुका है, मैं थोड़ा खा के दिखा रहा हूँ आपको। अमेजिंग टेस्ट है, ऑसम। तो आप लोग भी ट्राई करें और हमें बताएं।